लाइव मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कल्याण महाजन और आप देख रहे हैं बुरहानपुर जिले के दिन भर की टॉप 10 खबरें। लाइव मध्य प्रदेश पर बुरहानपुर से आ रही है बड़ी खबर। बुरहानपुर विधानसभा चुनाव में AIMIM की एंट्री हो गई है। अल्पसंख्यक नेता नफीस मंशा खान को AIMIM से प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील ने इसकी घोषणा की है। AIMIM की एंट्री के बाद बुरहानपुर विधानसभा में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ सकती है। देखिए आखिर क्या कहा AIMIM सांसद ने लाइव मध्य प्रदेश पर। इसे कबूल कर ले या कहीं ना कहीं अपना एहतजाज दर्ज कराए, और ये एहतजाज हमारा दर्ज कराने से पहले बुरहानपुर के जितनी भी आवाम है, मध्य प्रदेश के जितनी भी आवाम है, उनके अंदर एक गुस्सा था कि हम हमेशा से ही एक पार्टी का साथ देते आए हैं सेक्युलरिज्म के नाम के ऊपर, लेकिन आज देखिएगा कि नतीजे में क्या मिला है, तो 2 सीटें मिली है। जबकि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारी ऐसी सीटें हैं कि जहां पर आपकी आबादी 30%, 40%, 45%, 50% तक भी है, तो ऐसी जगहों के ऊपर क्यों कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है। तो आखिर में हमने ये फैसला किया है कि नहीं, हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम उतरेंगे मैदान के अंदर, और अगर आप लड़ेंगे तो ही आप जीतेंगे, आपको टिकट मिलेगा तो ही आप लड़ेंगे। अगर आपको टिकट ही नहीं देंगी पार्टियां ये सोचकर कि नहीं, हम कांग्रेस से ये सवाल करना चाहते हैं कि तुम टिकट इस वजह से नहीं दे रहे है ये डर से कि नहीं ये जीतते नहीं है करके, तो तुम क्या ये गारंटी ले रही है कि 230 सीटें तुम जो लड़ा रहे हैं ये पूरे के पूरे तुम जीतने वाले हैं? भाई आपको सेक्युलरिज्म को अगर जिंदा रखना है तो हम अगर आपको वोट देते हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपका वोट भी आप ट्रांसफर करवाइएगा करके उसमें। लेकिन ये जब नहीं हो रहा है तब हमने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई किए हैं और हमने ये फैसला किए है कि हम वहां पर इलेक्शन लड़ेंगे। आज बुरहानपुर के हमारे जो कांग्रेस के एक्स कॉरपोरेटर है, सीनियर कॉरपोरेटर है, काफी अच्छी छवि है उनकी, नफीस मंशा खान, उनको यह उम्मीदवारी मजलिस की तरफ से दी जा रही है। और मुझे उम्मीद है कि बुरहानपुर की आवाम पूरी ताकत के साथ नफीस साहब को इस बार इलेक्शन के अंदर कामयाब करेगी, पूरे अच्छे तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और एक पैगाम देंगी अपने ही पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, कि अब हम खामोश नहीं बैठने वाले हैं। हमारी जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी हिस्सेदारी मिलना चाहिए करके पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे नफीस साहब को। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपनी नई ख्वाहिशात दी है।